नमस्कार, मैं सुशील दोषी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम ऐसे किस्सों के बारे में बात कर रहे हैं जो सच भी हैं और जिनके बारे में सुनकर आप हैरान भी हो जाएंगे। देखिए, इतनी पुरानी बातें हैं ये और इतने सही लोगों से बातचीत करके ये तथ्य निकाले गए। 1977-78 में मैं ऑस्ट्रेलिया गया था कमेंट्री करने के लिए। तब हमारे कमेंट्री बॉक्स के पड़ोस में वहाँ पर उपस्थित थे कीथ मिलर। अब आप जानते ही होंगे कीथ मिलर का क्रिकेट इतिहास से क्या संबंध है। अगर आज भी हम क्रिकेट इतिहास के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर की बात करते हैं तो कीथ मिलर का नाम पहले नंबर पर लिया जाता है। तो कीथ मिलर ने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। मैंने कहा मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। उन्होंने कहा ओह, तब तो आप मुश्ताक अली साहब के यहाँ के रहने वाले हैं। आई वॉज सो सरप्राइज, मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि ये बंदा कह रहा है मुश्ताक अली के नाम से पूरे शहर की पहचान बता रहा है मुझे। तो मैं बहुत ही स्वाभिमान से भर गया। मैंने कहा मैं वहीं से आया हूँ। तो उन्होंने तब एक किस्सा सुनाना मुझे शुरू किया। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली बार मुश्ताक अली को बॉलिंग करने के लिए आया तो देखिए दुनिया भर के बैट्समैन मुझसे तब डरते थे। इतने दुनिया का मशहूर फास्ट बॉलर था और मुश्ताक अली मेरे सामने थे। मैं बॉलिंग करने के लिए उनकी तरफ बढ़ा तो मैंने देखा कि मुश्ताक अली मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं समझा कि ये क्या बात हुई, ये तो शायद तैयार नहीं है। तो मैं रुक गया। फिर मैंने मुश्ताक साहब की तरफ देखा तो मुश्ताक अली ने कहा कि नहीं नहीं, आप बॉलिंग करिए, मैं तैयार हूँ। तब कीथ मिलर ने अगली गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर किया तो मुश्ताक अली ने लेग साइड में मार दिया। तो कीथ मिलर कहते हैं मैंने समझा कि अनाड़ी आदमी है ये, तो ये ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को लेग साइड में मार रहा है। तो मैंने कहा कि अगली गेंद पर इसे आउट ले लूँगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मुझे पता चल गया, ऐसा कीथ मिलर कह रहे थे कि मैं आज एक मास्टर के सामने बॉलिंग कर रहा हूँ। उन्होंने काफ़ी रन बनाया ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों को लेग साइड में, लेग स्टंप की गेंदों को और लेग साइड में हटकर ऑफ स्टंप के बाहर मारना, जो आज हम T20 और 50-50 ओवर क्रिकेट में देखते हैं। इम्प्रोवाइजेशन की कला, किसी को हम कहते हैं कि लेमन कट, किसी को कहते हैं हम कि जैसे दिल स्कूप जिसको कहते हैं कि फाइन लेग के ऊपर से स्कूप करके बना दिया, कभी कहते हैं कि आगे निकल कर आया और थर्ड मैन की तरफ बल्ला खोल कर खेल दिया। ये तमाम चीज़ें तब भी होती थी और भारत के मशहूर खिलाड़ी अपने स्वाभाविक कला से और आकर्षक खेल के द्वारा तब भी दर्शकों का मन मोह लेते थे। मुश्ताक अली, आपको तो मालूम है 1936 में जब इंग्लैंड गए थे, आपको याद होगा कि वो भारत के पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने इंग्लैंड की धरती पर पहला टेस्ट शतक लगाया। ये उन्हीं मुश्ताक अली की बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए मुझे बड़ा गर्व हुआ जब कीथ मिलर जैसे बड़े ऑलराउंडर ने मुझे मुश्ताक अली के बारे में बताया कि आज भले ही क्रिकेट की दुनिया 50-50 ओवर क्रिकेट खेल रही हो, देखिए 1975 में क्रिकेट का पहला विश्व कप खेला गया था और कीथ मिलर यही कह रहे थे कि आज अगर मुश्ताक अली खेले होते तो वो क्रिकेट की दुनिया को उसी तरह अचंभित कर रहे होते जैसा कि उन्होंने अपने ज़माने में किया था।